दोनों चंद्र बदन युजियारी पर घूमे लली दोनों परी वो लड़कियां जो हैं दोनों चंद्र बदन युजियारी पर घूमे लली दोनों कुंवारी और सुनो बड़ा सुंदर बदन सुनहरा मगध में पूछा जरासंध कहने लगे आइए महाराज कंस बोले तुमने हमें पहचान लिया है? बोले हाँ आप मथुरा के राजा कंस है बोले पागल क्या कंस है कंस नहीं कहो भगवान भोजराज कंस बोले समझ गए बोले और कैसे समझोगे मैंने ये सुना है कि तुम्हारे घर में दो लड़कियां हैं शादी के लायक हैं बोले सही सुना है बोले इसलिए सही समय पर आया हूं शादी करो कहने लगे महाराज ये सही बात है कि आप भगवान हैं लेकिन यहाँ के नहीं है मथुरा के हैं और ये भी सही है कि मैं अपनी बेटी की शादी करूंगा लेकिन ऐसे नहीं करूंगा जैसे तुम बगीचे ले आए फिर कैसे करोगे बोले मेरे घर में एक कुबिलिया पीड़ा हाथी है उस हाथी के अंदर 10,000 हाथियों की ताकत है पास तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा युद्ध में जीत गए तो शादी पक्की और मर गए तो भगवान जाने कंस कह लगा जरासन पागल हो गए क्या कहा हाथी बोला हाथी आया इधर से कंस भागा हुआ गया होना क्या था कंस राज हाथी में फिर डट की बही लड़ाई
दुल्हन बन के तो दोनों कन्याओं के साथ विवाह किया है कंस ने। दोनों को साथ में लेकर के कंस आया है अपनी नगरी मथुरा में।